नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? भैया मस्त, फर्स्ट क्लास। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जीवों में विविधता, यानी भैया क्या बोलते हैं इसे हम लोग, डाइवर्सिटी इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैव विविधता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन होती है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको आगे बताते हैं। इसकी परिभाषा क्या है भैया, लगभग समान प्रकार की जीव कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की जीव जातियों के समूह, जीव जातियों के विकास को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, दुनिया में लगभग जितने जीव हैं, जितने दुनिया में जीव हैं लगभग लगभग सभी समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। भाई जीव ये तो एक कोश की होगा या तो बहु कोश की होगा। एक कोश की होगा तो हम उसे सामान्य आंखें, खुली आंखें से नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से। उन्हें देखने के लिए भाई आंखों को जूम करना पड़ेगा, तो आंख तो जूम होगी नहीं। इसे जूम करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी सूक्ष्मदर्शी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है जीवों में विविधता जो है भिन्नता के, भाई पृथ्वी पर विविधता, बहुत सारी विविधता पाई जाती है। यानी जैसे देखिए, तो अगर बात की जाए तो माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 100 मीटर लंबे जीव पाए जाते हैं हमारी धरती पर। तो जहाँ तक कि भैया अभी तक ज्ञात लगभग 15 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी हैं। लगभग कितना भैया? 15 लाख, 15 लाख जातियों की, प्रजातियों की खोज हो चुकी है। कितना भैया? 15 लाख प्रजातियों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 10 लाख क्या होती भैया? 10 लाख क्या होती है? 10 लाख जंतु की जाति है भैया। क्या होते हैं? जंतुओं की। 10 लाख जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और 5 लाख पाई जाती हैं पादपों की जाति, यानी वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, 5 लाख क्या होते हैं? वनस्पति, यानी भैया क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। तो भैया वनस्पति, यानी कि 15 लाख टोटल अपनी पृथ्वी पर ज्ञात जातियां हैं। अभी बहुत सारी जातियां जो ज्ञात नहीं है, अपनी की जानकारी प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं। तो यानी कि भी समझते हैं 15 लाख जातियां, जिसमें 10 लाख जंतु हैं और 5 लाख वनस्पतियां। और इसमें जो कह रहा है भैया, इस इन सब में बहुत सारे विभिन्नता पाई जाती है, बहुत सारी विविधता पाई जाती है। सिंपल देखा जाए भाई, माइक्रोमीटर की बात करिए तो माइक्रोमीटर लंबा क्या होता है? जीवाणु होते हैं। 30 मीटर लंबी तो व्हेल मछली होती है, जो सबसे बड़ी जलीय मछली होती है, जलीय जीव होता है। सबसे बड़ा जलीय जीव क्या है? व्हेल मछली, जो 30 मीटर लंबी होती है। और कह रहे हैं कैलिफोर्निया में लगभग 100 मीटर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया के लगभग 100 मीटर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। अब इतने ज्यादा भैया विविधता पाई जा रही है इन लोगों में। फिर क्या कह रहा है कि कुछ चीड़ के पौधे जो हजारों साल जीवित रहते हैं। अब कुछ जीव जो होते हैं, मच्छर की बात कर ले, मच्छर कुछ ही दिन तक जीवित रहता है। ये विभिन्नता तो है, यही तो है विविधता। अब भैया यहाँ पे कह रहा है धरती पे विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी पक्षियां पाई जाती हैं, रंग बिरंगी तितलियां पाई जाती हैं, रंग बिरंगे जंतु पाए जाते हैं। ये सब क्या? जैव विविधता। सिंपल हमको देखिए, सिंपल हमारा थोड़ा देखिए, और सो देखिए बंदरवन कैसे निकरा हुआ, छोटे बचाने कैसे निकरा होता है, लट्टो छोटो कितना भैरा मुँह, बड़ा सा थोड़ा लंबा लंबा थुथना होता है, थुथुरुआ एकदम मुँह एकदम बड़ा लंबा लंबा निकरा होता है। तो बंदर हमें विभिन्नता है, गुरिल्ला एकदम बड़ा सारा डोमा दिखता है खतरनाक। तो सबके अंदर जीवों क्या है, अलग अलग भैया क्वालिटीज हैं, यानी सबके अंदर क्या विभिन्नता है। कुत्ता देखिए, सुअर देखिए, वनर देखिए, बहुत सारे जीव है, सब में क्या विभिन्नता है, यही क्या है जैव विविधता। भैया सब समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होंगे, भैया ये तो एक कोश की तो वह कोश की, हमने बताया अभी कि एक कोश की वे होते जो हमें समान खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, बहु कोश की जो हमें सिंपल आराम से देख सकते हैं, हम क्या है बहु कोश की है। और सामने जो भी दिखता है हमें सामने सब बहुत अभी आदमी है बहु कोश की, कुत्ता बिल्ली पकड़ी सब बहु कोश की है, सुअर सब बहु कोश की है। तो जो दिखता है समान बहु कोश की है। तो इतने सिंपल सी भी है, इसे आप इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, प्यार करता है इसके बारे में। ठीक है, हो गया भैया नोट। चलिए आगे देखिए, तो आगे बढ़ते हैं भैया। इसके जो 15 लाख जातियां थी, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो उनको एक वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, उनके अलग अलग वर्ग अलग अलग समूह में रखना भी है, क्या होता है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। तो यहाँ बोलेंगे जो वर्गीकरण होता है, इसकी जो परिभाषा होगी बोलेंगे जीवों को उनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर, जीवों की समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूह या वर्गों में रखना ही वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, तो आएंगे यहाँ पे वर्गीकरण के आवश्यकता, यानी जो जीवों को अलग अलग वर्गों में क्यों रखा जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई भाई,
कि जीवों के वर्ग बनाया गया, सबको अलग अलग वर्गों में क्यों रखा गया है, तो उसकी आवश्यकता क्या है तो पढ़ेंगे आप। ठीक भैया, ये बोले सिग्निफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। यहाँ बोलेंगे नंबर एक, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कि जीवों के विकास का ज्ञान होना, जीवों के विकास के पहली बात ज्ञान होना चाहिए। क्या कहना भैया, कि वो जीव एक कोश की है कि बहुकोश की है। एक कोश की जो हमको सिंपल खुली आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, यानी सूक्ष्मदर्शी चाहिए। और बहुकोश की जो हमें सिंपली दिखाई पड़ जाते हैं, तो ये कह रहे हैं इनके जीवों के क्या, जीवों के विकास का ज्ञान होना चाहिए हमें। ठीक है, एक कोश की जो है बहुकोश की जीव को पहचान होनी चाहिए। अगला पॉइंट कह रहा भैया नंबर दो, कह रहा है यहाँ पे जीवों में परिस्थितियों की अनुकूलता का ज्ञान होना, जीवों की परिस्थितियों के अनुकूलता का ज्ञान होना। क्या जीव किस अपनी परिस्थिति में, जीव वातावरण के प्रति किस तरह अनुकूलित होते हैं। जैसे हम ठंडी में क्या स्वेटर पहन लेते हैं तो ठंडी पर अनुकूलित हो गए सिंपल सा। गर्मी में नेटदार धीरे धीरे कपड़े बन के मस्त मस्ती करते रहते हैं, नहाते रहते हैं पानी में, ये जो सिंपल समझने तरीके। ठीक है, अनुकूलित मतलब वातावरण के प्रति जो जीव अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पोलर बियर होता है, सफ़ेद भालू देखते ना भैया, क्या होता है बर्फीले क्षेत्रों में सफ़ेद हो जाता है। तो यानी कह रहा सब में अलग अलग जो होता है ये अनुकूलित होते हैं, परिवर्तन होता है वातावरण के प्रति। वही कह रहा है कि जो जीव वातावरण के प्रति ढल जाता है, अधिक अगर गर्मी है तो वहाँ अधिक तापमान सहने वाला बनना पड़ेगा। जैसे रेगिस्तान में ऊँट होता है 7-7 दिन पानी नहीं पीता है, वो तो ढल चुका है उस। अभी हमको 7 दिन पानी देते हमारे एकदम हरा डाउन हो जाते हैं, मुँह से बने तेरे बन जाएगा, चुचुक जाएगा, नुआ हो जाएगा, खतम कहानी हो जाएगी। तो वही चीज़ भी है कि अलग अलग चीज़ में क्या होता है वातावरण के प्रति अनुकूलित होना। अभी नागफनी की बात कर लें, अभी नागफनी देखिए रेगिस्तान में कितना गजब उगता है, और जहाँ होता है मरुस्थली जमीन वहाँ पर उगता है, जहाँ पानी की कमी तो वहाँ उग लेता है, आराम से उगता है उस, क्योंकि वो उस वातावरण में ढल चुका है। अब यह हमको सिंपल देखिए, जैसे यार वातावरण अगर एक मान लो बढ़िया से मेंटेन कोई बहुत बड़ी शहर की लड़की हो, जो सिंपल कभी धूप में कभी गई नहीं हो, अब उसे पकड़ लाओ देहात में ले जाके मई जून में गेहूँ करवाओ तो मुँह बंदक कर जाए, चुचुक एकदम खत्म हो जाएगी, बटूर जी पूरा मुँह नहीं। अब जो बंदा कभी धूप में काम नहीं किया, देहात के लोग एकदम मजबूत स्ट्रांग होते हैं। अब मई जून में तगड़ी धूप में जेठ की दोपहरी में धान गेहूँ काटते उसे, गेहूँ काटते रहते तगड़ी धूप में एकदम, तब उनका रंग एकदम पक्का रहता है, एकदम जो जैसे रहता वैसे रहता है। लेकिन अगर शहर के पकड़ लाओ भैया, जो शहर के लोग होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, जो घर में 24 घंटे घर में या कोचिंग में अच्छे से एसी में बैठे खाना पीना खाते हैं, उनको लाओ मई जून में तगड़ी दोपहर में गेहूँ कटवा लीजिए तो मुँह बन रहे तेरा हो जाएगा, जैसे नेनुआ हो जाए, काला काला भौना हो जाएगा, तुमसे खत्म हो जाएगा सिस्टम है। ठीक है, उसको कह रहा है वातावरण के प्रति अनुकूलित होना। तो जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूलित रहते हैं वही जीवित रहते हैं। ठीक भैया, आगे समझते हैं। फिर कह रहा है विकास के क्रम का अध्ययन, तो विकास के क्रम का अध्ययन होना चाहिए हमें। क्या क्या अध्ययन में, गुणों के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों में रखना। किसे भैया, अलग अलग समूहों में, अलग अलग समूहों में रखना, समूहों में रखना। उदाहरण के तौर पर ये कह रहा है एम्फीबिया, जो एम्फीबिया होते हैं उभयचर होते हैं, उभयचर वे जो जल स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं उभयचर। मेढक की बात कर लीजिए, जो जल और स्थल दोनों स्थान पर रहते हैं। अभी कह रहा है रेप्टिलिया, रेप्टिलिया मतलब होता है सरीसृप, सरीसृप होता है रेप्टिलिया में रेंग, रेस रेप्टिलिया रेस रेंग के चलने वाले, जिसे रेंग के चलते हैं, जिसे कह रहे हैं रेंग रेंग के, उसे क्या बोलते हैं रेप्टिलिया वर्ग, जो रेंग के चलते हैं। जैसे ठीक है सांप हो गया, ठीक है रेंग के चलते हैं सांप, ठीक मगरमच्छ का रेंग के चलता है। अब कह रहे बस यहाँ पे, यहाँ कह रहा है एवीज, एवीज मतलब था पक्षी वर्ग, जो उड़ते हैं वो पक्षी होते भाई, जो उड़ते हैं पक्षी होते हैं। ठीक है, पक्षी वर्ग में एवीज में पक्षी होते हैं, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, जो जल स्थल दोनों रहता है उसे किसमें कहा एम्फीबिया, यानी उभयचर रखा गया है। और जो भी क्या रेप्टिलिया जो रेंग के चलते हैं वो क्या है रेप्टिलिया, यानी सरीसृप में रखे जाते हैं। जो उड़ते हैं उन्हें कहा गया भैया एवीज, यानी पक्षी वर्ग में। फिर कह रहा है मैमेलिया, यानी स्तनधारी, जो बच्चे बच्चे को पैदा करते हैं दूध पिलाते हैं वो क्या है स्तनधारी है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। इसका जो चौथा पॉइंट क्या है, संयोजक कड़ी का ज्ञान हो चाहिए। कौन से जीव हैं जो दोनों काम करते हैं भैया, दोनों काम करते हैं भैया, सिंपल दिखे दोनों काम करें भैया, वे जीव जिनमें कह रहा है वे जीव जिनमें अलग अलग समूहों के गुणों का, अलग अलग समूहों के गुण पाए जाते हैं, संयोजक कड़ी कहलाते हैं भैया। जो दोनों के बीच रहते हों, जो भैया ना इस तरफ ना उस तरफ, दोनों के बीच कड़ी। एग्जांपल की बात करें भैया, युगलीना है, युगलीना ना तो जंतु है ना तो पादप, दोनों के बीच कड़ी है। क्योंकि भैया प्रकाश संश्लेषण करता है, ये पादपों का लक्षण है, ये चलता फिरता भोजन करता है, ये जंतुओं का लक्षण है, ये दोनों के बीच कड़ी है ना, दोनों काम करता है। और देखो नियोप्लाइना की है, तो ये है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना क्या होता है भैया, सिंपल सा
ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच खड़ी है। किसके भैया? एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा संघ और मोलस्का संघ के बीच खड़ी क्या है? नियोक्लियर है, जो दोनों में रहता है। ठीक भैया, अब देखिए ये हो गया सिंपल सा। अब देखिए भैया, ये सिंपल जो दोनों तरफ रहते हैं, एक जानते हैं जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त तो चप्पल की तरह होते हैं, चलते हैं साथ में मगर पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं, तो वही चीज यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या भैया, अगला पॉइंट है अध्ययन की सुविधा। अध्ययन की सुविधा के लिए भी क्या करते हैं? जीवों के लक्षणों से उनकी पहचान करना। भैया उनके लक्षणों से उनकी पहचान करेंगे, उनके क्या क्या लक्षण है। जैसे देखिए सिंपल सा, मांसाहारी जीवों जो होते हैं कैनाइन दांत, दांत के बारे में, आप दांत के बारे में आपको पढ़ा दिया पोषण में, ठीक भैया वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो जिनके कैनाइन दांत लंबे होते हैं, भूतवा वाला जो चुड़ैल का लंबा लंबा जो होते हैं, लंबा बड़का भूत वाला, वो जिसके कैनाइन दांत बड़े होते हैं वो क्या होते हैं भैया? मांसाहारी जीव है। तो मांसाहारी जीव कैसे पहचानेंगे भैया? उनके क्या होते हैं भैया? ये होते हैं कैनाइन दांत, ऐसे दांत बड़े होते हैं ना भैया, ये देखो ये कैनाइन दांत क्या है, बड़े ऐसे भूत में शेर में से लंबा लंबा ऐसे थे ना, बड़ा बड़ा दांत होता है मुंह में, ठीक ऐसे लंबा लंबा, तो ये दूठ लंबा जो भूत रह जाते जाते लंबा लंबा, तो वो क्या होते हैं? वो मांसाहारी जीवों की पहचान है। तो मांसाहारी जीवों के कैनाइन दांत लंबे होते हैं। शेर को देखिए, बिल्ली देखिए, कुत्ता का देखिए, इनके दांत लंबे होते हैं। ठीक भैया, और शाकाहारी जीवों के दांत एक बराबर होते हैं। ठीक भैया, तो आप लोग के दिमाग में घंटी बजे, घंटी का घंटा बजा हुई कहा कि इंसान के दांत लंबा नहीं, जब वो मांस खाता है तो इंसान अपने स्वाद के लिए कुछ भी खा सकता है, एकदम एकदम दलिद्र होते हैं, एकदम बेकार होते हैं, इंसान सब कुछ खा सकता है, तो इंसान अपने स्वाद के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक भैया, तो इंसान शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, सर्वाहारी सब कुछ है। ठीक भैया, अब देखो सिर्फ शुद्ध मांसाहारी शेर है, अब ये शेर एकदम मांसाहारी बड़े बड़े दाल उसको होते हैं, अब शेर को ले भैया दाल चावल खिले, भैया शेर को खिला, शेर है उसे दाल चावल खिलाओ, ले खा ले भाई खा ले, तो दाल चावल खाएगा शेर सूर्य, दाल चावल खो खाएंगे हम, तो शेर वो नहीं खाता दाल चावल, उसको मांस ये मांस इंसान क्या, उसे दाल चावल दो वो खाएगा शत्रु, मांस दो मांसो शत्रु खा लेगा, सब खा लेगा, एकदम दलिद्र होते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, शाकाहारी जो जीव होते हैं उनके क्या होता है, कैनाइन दांत छोटे छोटे होते हैं, मतलब पूरे दांत क्या होते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके पूरे दांत एक बराबर होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनके कैनाइन दांत बड़े होते हैं। ठीक है, तो इंसान अपवाद में यहाँ पे इसको ना नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बताएं। ठीक भैया,